आज तो हम मना रहे हैं संडे की ये छुट्टी आपके साथ। वैसे क्या वंदना भी मना रही है संडे की ये छुट्टी? वंदना को कहाँ ही मिलती है फुर्सत अपनी लाइफ की अलग अलग सिचुएशन से। तो क्या कुछ हो रहा है वंदना और कुणाल की कहानी में आज लेकर चलते हैं आपको फटाफट इन दोनों के पास। मम्मी बोल दे, क्या बोल रही हैं? सुनाई दे रहा आपको? स्टापस के सीरियल बातें कुछ अनकही सी में आज वंदना ने कुणाल को ऐसी गुड न्यूज दे दी है जिसे सुनकर कुणाल हो रहे हैं इमोशनल। ना उनसे रोते बन पा रहा है ना हंसते। जी हाँ, असल में वंदना बनने वाली है माँ। और जैसे ही उन्होंने ये गुड न्यूज कुणाल को बताई तो कुणाल तो खुशी के मारे पागल हो गए। लेकिन सभी घर वालों को लगा है जोरदार झटका। तभी तो वंदना की बहन और कुणाल की पम्मी बुआ सभी के सामने वंदना पर लालछन लगा रही हैं। लेकिन कुणाल आज वंदना के साथ खड़ा है और पम्मी बुआ को अपना गुस्सा दिखा रहा है। वाह, म्यूजिक छोटू सा खेलता बेबी आने वाला है। अरे आप झूठ क्यों बोल रहे हो? सबको पता है आप कभी माली बन सकते हैं। हाँ, तो ये चमत्कार कैसे हो गया? अच्छा अच्छा, ये घर वापस आने का नया पैंतरा आजमा रही है। झूठ? ताई आप झूठ क्यों बोल रहे हो? सबको पता है कि आप माँ नहीं बन सकती। एग्जैक्टली, ये असलियत तो सामने आ चुकी है, तो ये चमत्कार कैसे हो गया? हाँ, पैसे की जरूरत है इसलिए जगह जगह जाकर गाने गा रही हो। कहीं से सात सुर साथ लेके आ गई हो और खुदों के गले बांध रही हो। मम्मी बोल दे, क्या बोल रही हो? सुनाई दे रहा आपको? मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो उसके मैनरिज्म्स और उसी से पहचान लेती हूँ कि ये माँ बनने वाली हैं। बाकियों में तो पम्मी जी अपनी मृणाल और कुलदीप जी खुश नहीं है, लेकिन बाकी हम सब बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि अब वो यहीं पे आ जाए, वापस आ जाए। और वहीं मैं कुणाल को बताने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि वो भी बेहद खुश है। भाई, वंदना तो कुणाल को सच बताना चाहती थी और वो उसने बता दिया है। लेकिन कुणाल वो अब चाहता है कि वो वंदना के साथ मिलकर अपने आने वाले बच्चे की परवरिश करे। लेकिन वंदना उसका फैसला है ये घर छोड़कर जाने का, सो वो जा रही है और कुणाल वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा। इतना ही नहीं, कुणाल की मम्मी और बहन वेदिका भी कुणाल के आगे हाथ जोड़ती है ताकि वो वंदना को रोक ले। लेकिन कुणाल चुपचाप खामोश आँखों में आंसू लिए इमोशनल हो रहा है क्योंकि वो अपने पापा के सच से अभी तक अनजान जो है। दोनों की भी गलती नहीं है, बस बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है और वंदना ने डिसाइड कर लिया है कि वो अब इस घर में नहीं रहेगी, वो घर छोड़ के जा रही है। बिल्कुल, अभी पर्दाफाश करूँगी मैं कुलदीप जी का। मतलब अगले एक दो एपिसोड में कुणाल तक सब बात पहुँच जाएगी कि कुलदीप जी कैसा इंसान है, उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया है। तो हाँ, वो सब हो जाएगा अभी पर्दाफाश। ऑफकोर्स कुणाल तो शौक ही होगा क्योंकि कुणाल के लिए अपने पिता तो भगवान है। बाकी में से तो वेदू को तो बहुत सारी चीज़ें पता है, तो वेदू ज़्यादा मेरे जैसे ही रिएक्ट होगी क्योंकि वो भी अपने भाई को सच बताने की कोशिश करेगी। लेकिन बाकी सब तो बहुत शौक होंगे। वंदू को भी पता है, तो वंदू, मैं और वेदू, हम तीनों को सब पता है। लेकिन मैं जब बोलूँगी तो कुणाल की क्या हालत होने वाली है वो तो आपको देखना पड़ेगा। वो इतनी खुश है क्योंकि उसे पहले ये वैभव ने बताया था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, बट द मोमेंट उसे पता चल जाता है कि वो माँ बन सकती है तो शी इज़ लाइक, मुझे सबसे पहले कुणाल सर को बताना है क्योंकि ऑब्वियसली उनका बच्चा है, उन्हें जानने का पूरा हक है। जाती है, बात करती है, बट उसकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि आप संभालो, पैसे दो, खर्चा। शी इज़ लाइक, मैं संभालूंगी, मुझे माँ बनना था, मैं बच्चे का ध्यान रखने के लिए काफ़ी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। बट वही कुणाल भी खुद चाहते हैं कि दोनों मिलके बच्चे को रेस करें, बड़ा करें, प्यार करें। सो थोड़ी सी टिफ है दोनों के बीच में, बट आई एम श्योर बहुत जल्दी वो भी दूर हो जाएगी। या जैसे ही माँ की याददाश्त वापस आ जाएगी, आई एम श्योर कुलदीप जी की सच्चाई भी सामने आ ही जाएगी। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जल्दी से इसे लाइक करें और कमेंट देके अपनी राय दें। और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।